प्रणाम। कभी कभी दवा नहीं होती और बुखार चढ़ जाता है, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि क्या करें। कुछ मैं छोटे से आपको प्रयोग बता रहा हूँ, यदि हम उन प्रयोगों को करें तो कुछ समय के लिए हम बुखार से बच सकते हैं और कई बार हमको बुखार से भी मुक्ति मिल जाती है। बुखार होने पर वह व्यक्ति गीले मोजे पहने, पानी में भिगोकर उसको निचोड़कर हम मोजे पहन के रखें और मोजों का ध्यान रखें कि यदि हम जुराब गर्म होने लगे या पानी सूखने लगे तो मोजों को बदल दें। दूसरा, गुनगुना पानी, उससे यदि हम स्नान करें, गर्म पानी हो या गुनगुना पानी हो उससे स्नान करें, तब भी हमको बुखार में लाभ मिलता है। सिर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए, ठंडे पानी की पट्टी रखने से बुखार का शमन होने लगता है। किसी किसी की गर्दन बहुत गर्म होती है, गर्दन पे भी हम पट्टी रखें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे हमें इस बीमारी से उतनी जल्दी ही मुक्ति मिलती है। पानी फ्रिज का ना हो, बहुत ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी हो, गुनगुना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा। इमली का रस या एलोवेरा जेल या अमरूद की पत्ती का रस, इनके सेवन से भी बहुत लाभ मिलता है। यदि हम अमरूद की पत्ती माथे पर लगाएं और हल्के हाथ से उसको मलें तब भी बुखार कम होने लगता है। हमको कपड़े कम से कम पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहुत से लोग कंबल ओढ़ते हैं जो कि बहुत गलत है, हमको हल्के कपड़े ही ओढ़ने चाहिए। चादर वगैरह, खेस वगैरह पहने, रजाई और कंबल उस समय प्रयोग नहीं करने चाहिए। इन छोटे से प्रयोग से हमें बुखार से कुछ समय के लिए तो मैं कह सकता हूँ कम से कम मुक्ति मिलती है।